सूप एक ऐसी चीज़ है जो कि घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है, और सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं। तो आइए इस टेस्टी और हेल्दी टमाटर सूप को कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में 1 टीस्पून बटर लेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को हल्का सा बटर में भून लेंगे। आप बटर की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर बटर में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 3 से 4 काली मिर्च डालेंगे और 2 से 3 लौंग डाल देंगे। डालिएगा, ज़रूर फ्लेवर ऐड करेगा आपके सूप के अंदर ये सारी चीज़ें। हल्का सा इन्हें भी थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर काट के डाले हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, बहुत थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी गाजर और थोड़े से चुकंदर। चुकंदर डालने से मिठास आएगी और सूप में बहुत अच्छा रेड कलर आएगा। साथ ही में इसमें एक प्याज भी डाल देंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और जो धनिए की डंडियाँ होती है जिन्हें की स्टेम बोला जाता है, वो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं ये। और सर्दियों के मौसम में तो आप इन्हें थोड़ा सा सेव करके भी रख सकते हैं। धनिया साफ़ करें तो डंडियों को थोड़ा सा अलग से रख लें, तो जब भी सूप बनाएं उसमें ज़रूर डालें। और अब 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसकी 3 से 4 सीटी ले लेनी है। तो सीटी लेने के बाद जब प्रेशर सारा रिलीज़ हो जाएगा तब ढक्कन खोलेंगे, और ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। आप ये सब चीज़ें बॉईल करके भी कर सकते हैं, पर बॉईल करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो प्रेशर कुक करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो देखिए चुकंदर की वजह से बहुत अच्छा रेड कलर आया है, गाजर से इसमें अच्छी मिठास आएगी, टमाटर की खटास आएगी, तो जो सूप है वो बहुत टेस्टी लगेगा, खट्टा मीठा बनेगा। अब इस मिक्सचर को एक बार हम छान लेंगे, सेम प्रेशर कुकर के अंदर ही मैं छान रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा गाढ़ापन आ गया है गाजर वगैरह डालने से, प्याज वगैरह हमने डाले थे इसलिए। अगर आप ये नहीं डालते हैं तो सिर्फ टमाटर का अगर बनाएंगे तो आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा सूप के अंदर। रेस्टोरेंट में जो सूप सर्व किया जाता है उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला जाता है ताकि क्वांटिटी में ज़्यादा हो और गाढ़ापन आ जाए। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। और इसे अब कुछ देर उबलने देंगे। तो नमक डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें ताकि जो मिठास है वो बैलेंस हो जाए। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, और 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, और उसके बाद गर्मा गर्म इस सूप को सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा सूप बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छे से बॉईल हो गया है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। सर्व करते वक्त मैं इसमें थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करके डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो सूप की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।